हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फूड एंड ज्वेलरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। मोमोज की स्टफिंग अलग अलग तरह से होती है। पनीर सोयाबीन बहुत तरीके से इसकी स्टफिंग की जाती है, तो मैंने यहाँ सिंपल वेजिटेबल से स्टफिंग की है। तो आप इस मोमोज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज कट कर लिया है, एक छोटा गाजर कट कर लिया है, एक छोटा कैप्सिकम कट कर लिया है, 100 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कट कर लिया है, 5-6 हरी मिर्च कट कर लिया है, लहसुन की 5-6 कलियाँ कट कर ली है, अदरक बारीक घिस लिया है, एक प्याज बारीक कट किया हुआ, एक गाजर कट किया हुआ, एक कैप्सिकम कट किया हुआ, 100 ग्राम पत्ता गोभी बारीक कट किया हुआ, हरी मिर्च लहसुन अदरक जो हमने कट कर लिया था, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 काली मिर्च स्वादानुसार, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब इस स्टफिंग को कपड़े में डाल दूंगी और अच्छी तरह निचोड़ कर सारा पानी निकाल दूंगी। पानी निचोड़ने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। स्टफिंग के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। बर्तन में एक बाउल भरकर मैदा लेंगे। मैदा में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। तेल और नमक मैदे में अच्छी तरह से मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालें इसमें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, और इसका हम एक डो बना लेंगे। डो जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड करके 100 ml पानी यूज कर रहे हैं। इसको अच्छे से गूथ लें। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस डो को गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम मोमोज बना लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल मिक्सचर है, यहाँ पर डो है जो हमने गूथ रखा है। हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और रोल कर लेंगे। ध्यान रखें इसकी जो लेयर है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे। आप अपनी मर्जी से स्टफिंग ज़्यादा या कम डालें, ज़्यादा डालने से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसे सील करेंगे। हम इसके किनारों से फोल्ड करेंगे। यह देखिए, एक के ऊपर एक फोल्ड करके किनारों को हम बंद कर देंगे। बस इसी प्रोसेस से बाकी मोमोज बनाएंगे। तो मैंने यहाँ सारी मोमोज बना लिया है, तो चलिए इन्हें स्टीम करते हैं। अब हम स्टीम करने वाला बर्तन लेंगे, उसमें 1 ग्लास पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। दूसरे बर्तन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें मोमोज रख देंगे। सारे मोमोज को अलग अलग रखें, नहीं तो यह स्टीम होने के बाद एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सारे मोमोज को
अलग अलग रख दिया है। इसको ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएं और ये मोमोज अच्छी तरह से पक गए हैं। सर्व करने के लिए हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। मोमोज को गरम गरम सर्व करें, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ आप सेजवान सॉस यूज करें या मोमो की चटनी भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस मोमोज को गर्मा गर्म सर्व करें। और हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।